शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यूट बेबी है, भगवान करे हमारा बेबी भी ऐसा ही क्यूटी पाई। निशान 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 माय लव, ये सब तुम्हारा कमाल है। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी तकदीर बदल गई। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि कहीं पागल ना हो जाओ। अच्छा, और तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? मेरा प्रमोशन फिक्स हो गया है। क्या? Oh my God, सूरज, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेशन तो बनता है, पर पहले मुंह तो मीठा हो जाए। अब सूरज, मुझे लगता है कि अब हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो वही तो करने जा रहा था। भूल गए, हमें नामकरण के फंक्शन में जाना है। वहां नहीं गए ना तो तुम्हारे पेरेंट्स हमें जरूर सेलिब्रेट कर देंगे। चलो चलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। क्या हुआ? चलो अंदर। क्या हुआ निशा? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे डील करूं। मैं कुछ समझा नहीं। आज फंक्शन में तुम्हारे घर वाले बच्चे की तारीफ करते हुए सबके सामने मुझे ताने दे रहे थे। बोल रहे थे कि शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जी दादा दादी नहीं बन सके। सूरज, उनकी कड़वी बातें ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बुरा लगता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है निशा। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? बच्चा होना ना होना तो ऊपर वाले की देन है ना। सूरज, कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी मेरी जगह खुद को खड़ा करके देखो, तब पता चलेगा। मेरा भी मन करता है कि मैं भी माँ बनूं। हमारा एक छोटा सा परिवार हो, छोटा सा बच्चा हो, हम उसके साथ अपना पूरा जीवन खुशी से जिए, प्यार से जिए। लेकिन शायद ये खुशी मेरे नसीब में ही नहीं। शायद ऐसा मत बोलो, हमारा भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा। एक काम करते हैं, हम एक क्लिनिक पे जाते हैं, एक स्पेशल डॉक्टर से मिलते हैं और जल्दी से एक बच्चा प्लान करते हैं। पर प्लीज अपना मूड ठीक करो। Smile. मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक किया जाएगा। सूरज, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सूरज, मुझे गुदगुदी होती, मत करो। नहीं, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा क्रेडिट स्कोर तो सबसे ज्यादा था ना सर। सर दिस इज अनफेयर सर। अरे अरे, क्या हो गया? मुझे को इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सब झूठे हैं, मक्कार कहेंगे। सारी मेहनत मैंने करी और क्रेडिट किसी और को दे रहे। वो शर्मा अपने आप को समझता क्या? बॉस बनने की औकात नहीं है मेरी उसकी, लेकिन अब मुझे उसके अंडर काम करना पड़ेगा। क्या हुआ है मुझे बताओ तो, क्या बात है? प्रमोशन लिस्ट से मेरा नाम हटाकर शर्मा का डाल दिया। क्या? लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? और प्रमोशन तो तुम्हारा फाइनल था ना? एन वक्त पर मेरा लिस्ट से नाम निकाल दिया उन्होंने। पता नहीं किसी ने मेरी शिकायत करके अपनी दुश्मनी निकाली। मुझे तो लगता है ये शर्मा का ही काम है। तुम परेशान मत हो, साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम बस अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करते जाओ, मिल जाएगा अगले साल। देखना, तुम ही मैनेजर बनोगे। अब तुम अपना मुंह ठीक कर लो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। और भूले तो नहीं हो ना, हमें क्लिनिक भी जाना है।
क्या तुम इस वक्त क्लिनिक कर रही? समझ में नहीं आ रहा, मैं टेंशन में हूं। और अगर हमारा बच्चा नहीं हो तो मर जाएंगे क्या हम? बच्चा क्लिनिक यही करती रहती हूँ यार दिन भर। सूरज अरे यार क्या बोल दिया मैंने, कहां का गुस्सा कहां निकाल दिया। निशा अरे मेरी बात सुनो, निशा निशा आई एम सॉरी, तुम पता है ना मैं स्ट्रेस में हूं, मेरा प्रमोशन रुक गया है, समझो ना। आई डिडंट मीन इट, ऐसे ही बोल दिया था मैंने। निशा प्लीज समझो मेरी बात। सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूं। अरे मैं जा रहा था ना। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। गिरीश सुधा आओ अंदर आओ। कैसे हो भाभी? बस बस जीते रहो जीते रहो। प्रणाम बड़े भैया। कैसे हो? अरे ठीक है ठीक। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? हाँ भैया मैं जानता हूँ मेरी और सुधा की शादी की वजह से आप सब परिवार वाले हमसे नाराज हो। माँ और बाबूजी तो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, पर अगर ऐसे में चाचा जी और आपने हमारा साथ नहीं दिया तो कौन देगा? अब मैं वो पुराना गिरीश नहीं रहा, अब मैं मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने सारी बुरी आदतें सारे बुरे काम मैंने सब छोड़ दिया भैया। भैया क्या आप अब भी हम दोनों से नाराज हैं? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, नाश्ता करते हैं। हाँ चलो। वैसे तुम यहाँ कैसे? दरअसल भैया मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उस कंपनी का इस शहर में एक प्रोजेक्ट चलने वाला है कुछ महीनों के लिए, तो उसी काम के सिलसिले में हम यहाँ इस शहर में। और ठहरे कहाँ? तो भैया हम अरे तो... कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर पे रुकेंगे और कहाँ रुकेंगे? सूरज मुझे क्या लगता है कि एक मौका सभी को मिलना चाहिए, और सुधा ने तो मुझसे फोन पर ही पूछ लिया था यहाँ आने का, मैंने उसे हाँ भी बोला था। और गिरीश तुम्हारा चचेरा भाई है, हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, रहने दो ना इन्हें यहाँ। ठीक है गिरीश तुम यहाँ ठहर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ कोई गलत और टेढ़ा काम नहीं करना। कैसी बात कर रहे हो भैया, मेरी और सुधा की वजह से आपको और भाभी जी को कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, वादा करता हूँ आपसे। ठीक है और थैंक यू भाभी। एक्चुअली हमें क्लिनिक जाना है तो ये कमरा तुम्हारा है, तुम लोग अच्छे से नाश्ता करके बढ़िया फ्रेशन अप हो जाओ, हम लोग क्लिनिक से आते हैं। हाँ जी भाभी। और हाँ अपना ही घर समझना है, ठीक है चल। सुधा में अपना काम शुरू करना होगा जल्दी, जितनी जल्दी हम डोनर से मिलेंगे उतनी जल्दी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर पाएंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इस बार हमें अपने टारगेट से ज्यादा अचीव करना है, उसके लिए पूरी ताकत और तेजी से काम करना होगा। टारगेट एंड ऑल, क्या बात है, बड़ी सीरियस किस्म की बातें चल रही है, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं भाभी, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए काम करती है, तो बस उन्हीं के लिए डोनेशन इकट्ठा करनी है। अरे वाह सुधा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। सच कहूं भाभी, डोनेशन से ज्यादा खुशी बच्चों के खेल खिलाते हुए चेहरे देखकर होती है। अच्छा सुधा, अगर हम डोनेशन की शुरुआत अपने घर से करें तो? मैं भी डोनेट करना चाहती हूँ। बच्चे की खुशी से बढ़ के जीवन में कोई सुख नहीं, जीवन की सारी सुख सुविधाएं बच्चे को मिलनी ही चाहिए, जीवन का असली सुख वही है। वाह भाभी, अब आपके हाथ से शुरुआत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है हम अपने टारगेट से ज्यादा अचीव करेंगे। देखा गिरीश, दूसरों के बच्चों के लिए भाभी इतना सोच रही हैं, खुद के बच्चों के लिए तो क्या कुछ नहीं करेंगी। चलें, लेट हो रहा, चलो हम क्लिनिक से। जी जी। मुझे भी बाहर जाना है। कहाँ?
डोनेशन की रिसिप्ट छपवाने। अरे जब बकरा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है तो इंतजाम भी तो तगड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे भी ये बे औलाद मियां बीवी इतनी प्रॉपर्टी का करेगी भी क्या। एग्जैक्टली बेडरूम में चले। चलो। नहीं, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। आ गए तुम लोग, कैसा रहा तुम लोगों का दिन? भाभी बहुत टायरिंग, आज बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स थी हमारी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लगवा देती हूँ। देखा सुधा रानी, सीखो कुछ भाभी जी से, अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद घर को भी कैसे संभालती। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो, जब देखो कमियां निकालते रहते। तो कैसे करूं तारीफ, कोई काम ठीक करती हो तुम, सारे काम बिगाड़ती हो। क्या बिगाड़ा मैंने, कौन सा काम बिगाड़ा है? बताओ भाभी को क्या काम बिगाड़ा तुमने। अरे ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया सुधा ने? भाभी देखो, आज एक डोनर से बातचीत करनी थी डोनेशन के लिए, ये उन्हें ठीक से समझा ही नहीं पाई, डोनेशन हमें मिली नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सुधा को मत डांटो, तुम्हें डोनेशन चाहिए तुम उससे ले लो। आ जाओ, आओ चलो। और अब मुस्कुराओ, रूठी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। हंसो, गुड गर्ल। थैंक यू भाभी, जब तक आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में तब तक अच्छाई ही टिकी रहेगी। आई थिंक मेरा ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में वापस आ। ये क्या कर रहे हो? पकड़ो। भाभी ने देख लिया तो? नहीं, नहीं देखेंगे किसी। नहीं। You know, वैसे भी बड़े बुजुर्ग ये कहकर गए हैं कि जब गंगा बह रही हो ना तो उसमें हाथ धो लेने चाहिए। हाथ धो लिए? और वैसे सुधा रानी, आज हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा डोनेशन मिल गई है। सही कहा, इस देश में भावुक बेवकूफों की कमी नहीं है। हाँ। एक ढूंढो तो हजारों मिलेंगे। कमी तो इस देश में आशिकों की भी नहीं है। क्या कर रहे हो? अभी बाहर बैठी देख लेंगी। देख लेंगी तो क्या हो जाएगा, यही बोलेंगी ना प्यार है दोनों में, आज मना मत करो प्लीज प्लीज। सूरज, मैंने तुम्हें कितने फोन्स किए, तुमने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, इतने बिजी थे आज ऑफिस में। हाँ सूरज, सूरज अब सुधा बाहर। जी बाबा। सूरज क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? मैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया सी कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ क्या हुआ? हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। आ गई तो हमें कब जाना है ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं है मतलब? निशा, तकदीर के आगे किसकी चली गई? सूरज क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है रिपोर्ट्स में बताओ ना साफ साफ। रिपोर्ट्स में लिखा है कि हम दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? सूरज मुझे लगता है रिपोर्ट्स गलत हैं। तुमने ठीक से दिखाई नहीं होगी डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखी क्या, उन्होंने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्या है रिपोर्ट्स में? हाँ उन्होंने साफ साफ बताया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे में माँ बनने की क्षमता ही नहीं है। मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो You cannot conceive due to infertility. तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक बार बोलो ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये सब नहीं है ना रिपोर्ट्स में, ऐसा कुछ नहीं आया है ना? हाँ यही आया। मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था?
मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने तो किसी का कभी कुछ गलत भी नहीं किया, क्यों मेरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों मां नहीं बन सकती? लेकिन निशा संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को निशा। क्यों नहीं बन सकती? अरे भाभी, आप किचन में काम क्यों कर रही हैं? आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी आग! सुधा, ये आग कैसे लगी? भैया, मैं बर्तन रखने आई थी किचन में और मैंने देखा कि भाभी के पल्लू में आग लगी, पता नहीं कैसे। आलोक, देखकर काम किया करो ना। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तुम आराम ही कर लो। सुधा, कुछ दिन तुम किचन संभाल। जी भैया, मैं भाभी मैं सारा सब कुछ संभाल लूंगी। आप प्लीज जाइए, रेस्ट कीजिए। चलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भाभी चलिए खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। भाभी। सुधा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, भैया को पता चलेगा तो मुझे ही डांटेंगे। खा लीजिए। सुधा प्लीज जिद मत करो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ भाभी। निशा। भैया। सूरज, ये कैसे लग गई तुम्हें? तू अरे एक बार कुछ सुनसान सड़क पे कुछ लोगों ने मुझे रोका, पता पूछा और मेरा सब कुछ लूट के ले गए, गाड़ी तक ले गए। क्या भैया, दो चार लोग थे क्या? पता नहीं कितने लोग थे पर दो से तो ज्यादा ही थे। बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। आप चिंता मत करो, आप अभी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम उनकी कंप्लेंट लिखाएंगे। ऐसे कैसे कोई लूट सकता किसी को? नहीं गिरेश, तुम हालत नहीं देख रहे सूरज की, उसे आराम की जरूरत है। पुलिस स्टेशन तो आप सुबह भी जा सकते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन भाभी गिरीश, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, देखो तो सही, भैया को अभी आराम की जरूरत है। भाभी आप भैया को कमरे में लेकर जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। भैया कमाल करते लड़के, मैंने तो सिर्फ गाड़ी चोरी करने के लिए कहा था, तुमने तो सूरज को बुरी तरह से पीट भी दिया। यहाँ तुम भी, ये सब तुमने करवाया? कितनी तेज हो तुम। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। निशा, तुमने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले? मुझे याद नहीं। मैंने जितने पैसे रखे थे उसमें से 10,000 गायब हैं। सूरज, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, देखो ना कहीं होंगे इधर उधर। फिर किसे पता है? गिरीश, गिरीश, जी भैया, तुमने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले? कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं तो आपके कमरे की तरफ झांकता भी नहीं हूँ। मेरी अलमारी में से 10,000 रुपए गायब। बात करने भैया। देखो गिरीश, मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ, सच सच बता दो वरना। भैया अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर अभी कट जाएगा। अगर तुमने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले? सुधा, तुमने लिए 10,000? क्या बोल रहे हो, मैं क्यों लूंगी, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिया। देखो भैया को इस समय बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो शांति से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है, ना मैं वैसा इंसान हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैंने पैसे नहीं लिए। देखो सुधा, सच सच बता दो वरना। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी नहीं मानोगी? गिरीश, गिरीश, ये क्या कर रहे हो? अभी ऐसी नहीं मानेगी। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार नहीं है औरतों पे हाथ उठाने के, और ऐसे पूछोगे तुम हाथ उठा के?
सूरज मुझे लगता है कि मैंने ही कहीं रख दिए पैसे, मुझे याद नहीं आ रहे कहाँ रहे। तो ये बात पहले बोल देनी थी ना। सूरज सॉरी डार्लिंग। मलिका बकरम मुझे बनाओगे? हाँ अरे अगर मैं ऐसा नाटक नहीं करता ना हम दोनों पकड़े जाते, बचना तो जरूरी था ना, तो करना पड़ा। उससे बात मत करना। डार्लिंग नहीं सुधा, मुझे ज्यादा तो नहीं लगी लेकिन पूजा की थाली गिर गई। अपशगुन होता है ना, सारी एक के बाद एक अपशगुन ही होता जा रहा है। हाँ भाभी देखो ना, उस दिन आपके पल्लू में आग लग गई और भैया के साथ इतना कुछ हो गया। कह तो सही रही है सुधा, समझ में नहीं आता ये अपशगुन कैसे और कब खत्म होंगे। थक गई हूँ मैं। भाभी इन सबका इलाज है मेरे पास, आप अंदर चलिए, मैं आपको अंदर चलकर इसका तोड़ बताती हूँ। नमस्ते पंडित जी, आइए आइए अंदर आइए। पंडित जी ये निशा भाभी हैं और ये बताइए। वाकई में पिछले कुछ महीनों से इस घर में कुछ अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर ने इस घर को भंग करके रख दिया है। लेकिन पंडित जी इसका कुछ उपाय तो होगा ना। देखिए इस घर में ना हम सब बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, खास करके भाभी और भैया। आप कुछ भी कीजिए पर इनकी समस्या का समाधान जरूर कीजिए। उस दीवार की घड़ी उतरवा दीजिए और हाँ वहाँ कुछ भी मत लगाइए। 24 घंटे मंदिर में दीपक जलना चाहिए और एक बात याद रखिएगा, 7 दिन तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। पंडित जी कोई होम हवन करना है क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, इस घर की परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी जब वो आएगा। कौन आएगा? इस घर का वारिस, तुम्हारी संतान। उसके आते ही इस घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए पंडित जी मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नमस्ते पंडित जी। भाभी ये पंडित जी बहुत ज्ञानी है, आप देखना इनका कहा कभी गलत नहीं होता। जैसे इस घर में नन्ना मुन्ना आएगा ना, इस घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? देखो अभी पंडित जी ने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, जब मैं माँ ही नहीं बन सकती तो कैसे ठीक हो जाएगा? क्या ये क्या कह रही हैं भाभी आप? यही सच है, ये दवा दुआ कुछ काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तो माँ बन ही नहीं सकती ना। अरे ऐसे कैसे नहीं बन सकती आप माँ, मेडिकल की ऐसी की तैसी। मैं कह रहा हूँ आप माँ बनेंगी तो माँ बनेंगी आप। क्या कह रहे हो गिरीश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सही कह रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है, बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता क्या? पंडित जी ने ये कहा ना कि इस घर में इस घर का चिराग चाहिए, ये तो नहीं कहा कि वो चिराग इनकी कोख से आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप और भैया बच्चा गोद ले लीजिए। देखिए ना भाभी, इससे किसी मासूम की जिंदगी सबर जाएगी और आपको औलाद का सुख भी मिल जाएगा और इस घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाभी, बिल्कुल हो सकता है। देखो भाभी आपको पता है ना कि मैं और सुधा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए काम करते हैं, तो अपने एनजीओ में बात करूंगा मैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। खर्चा क्यों, हम तो बच्चा गोद ले रहे हैं ना। हाँ भाभी आपकी बात सही है, लेकिन देखो होता क्या है ना कि आजकल जब लोग बच्चा गोद लेते हैं तो उस बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। खैर आप ये छोड़िए, ये कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये सोचिए कि क्या इस बात के लिए भैया मान जाएंगे। मैं बात करती हूँ सुबह। Thank you.
भाभी, आपको एक सुंदर सा बच्चा दिलाने की जिम्मेदारी हम दोनों की, लेकिन भैया को मनाने की जिम्मेदारी आपकी। हाँ भाभी, अगर एक बार भैया मान गए ना तो इस घर में जल्दी से खुशियों की बाहर आ जाएगी। क्या हुआ निशा, इतने फोन करके मुझे जल्दी क्यों बुलाया घर? सूरज, एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। बोलो। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मना नहीं करो। पहले बात तो बताओ क्या है। वो गिरीश और सुधा हमें बच्चा दिलाने में मदद कर रहे हैं। क्या? हाँ, एक्चुअली इन्होंने सुझाव दिया है कि हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पर इसमें गलत क्या है? पंडित जी ने भी यही कहा है कि अगर हमने बच्चा गोद ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ निशा। सूरज, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। देखो निशा। सूरज, इसमें हर्ज ही क्या है? ये बस बंदे का एक जरिया है। पर किसी और का बच्चा? सूरज, मैं उसे एहसास ही नहीं होने दूंगी कि वो किसी और का बच्चा है। एक माँ ये बेटे को जितना प्यार करती है ना, मैं उससे भी ज्यादा करूंगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, उसको कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज मान जाओ। भाभी जी की बेबसी को समझो भैया, और हाँ कर दो, आजकल बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और मैंने कैसे भी करके ये सब कुछ मैनेज कर दिया है। अब बस आपकी हामी का इंतजार है और कुछ पैसे देने हैं बस। पैसे? कैसे पैसे? अडॉप्शन के लिए पैसे? नहीं नहीं, ये पैसे अडॉप्शन के नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए, ये जो बच्चा है उसके भविष्य की सिक्योरिटी है भैया, और ज्यादा नहीं है भैया, वो बस 5-10 लाख रुपए देंगे। 5-10 लाख? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? बच्चा गोद लेना है या व्यापार कर रहे हो बच्चे का? मुझे पता था तुम नहीं मानोगे। ठीक है, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बांझ बन के निकाल लूंगी। और वैसे भी क्यों जीऊं? तुम्हें कौन सा पड़ी है मेरे अरमानों की, मेरी ख्वाहिशों की? तुम्हें कुछ नहीं पड़ी। मैं भाभी। निशा। अरे निशा, कहीं गुस्से में आके खुद को कुछ कर ही ना। क्या कह रहे हो? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो निशा। निशा, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे तुम एम्बुलेंस को बुलाओगी। ये क्या बात हुई भाभी, आप जैसे सुलझी हुई इंसान ऐसा कदम उठाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ करने से पहले एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? ये औलाद रह के मैं क्या करूंगी? तो अच्छा ही है ना कि मर जाऊं। दोबारा ऐसा मत बोलो। गिरीश, कितने पैसे लगेंगे बताओ मुझे। इस दुनिया में निशा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। निशा, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, पर एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। देखिए ना भाभी, अब तो भैया भी मान गए, आप भी मान जाइए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए ना भाभी। गिरीश, देखो ना भाभी तो रोए जा रही हैं। भाभी ये बेकार की बातें छोड़ो, अब आप वो देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो बच्चों की तस्वीरें, इनमें से आपको जो भी बच्चा पसंद आता है ना आप मुझे बताइए, मैं उस बच्चे को आप तक ले आऊंगा। ये वाला या ये वाला? क्या वाला? ये वाला। आपको ये वाला बच्चा चाहिए? तो भाभी अब आप इस बच्चे के स्वागत की तैयारियां करो, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। और हाँ भाभी, इसके गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी मेरी,
सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी, देखना। वेरी गुड। तो भाभी अब इस छोटे से मुन्ने का नाम ढूंढो कोई अच्छा सा। अब तो हंस दो प्लीज। अच्छा तो हंस दो माए माए। हाँ ये हुई ना बात। सूरज तुमने सब देखा, ये छोटे छोटे इसके जूते कपड़े खिलौने सब ले आई हूँ मैं। अब तुमने चूज किया तो अच्छे तो होंगे। क्यूट है ना, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। ये गिरीश कहाँ रह गया है, क्यों इतनी देर लगा रहा है? सुधा तुम फोन करो ना गिरीश को, पता करो कहाँ रह गया है। भाभी आते ही होंगे वो। मुन्ना राजा पधार रहे हैं। Oh my God, baby. ये देखो। मुझे तो। ओले 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 मेरे। गिरीश, ये वो बच्चा नहीं है जो भाभी? हाँ ये वो बच्चा नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि जो बच्चा आपने सेलेक्ट किया था जब मैं वहाँ पहुँचा, कोई और उसे गोद लेकर चला गया। तो जो मेरी जान पहचान में एनजीओ थे, मैंने उनसे पूछा तो उनके पास यही बच्चा था गोद देने के लिए, तो मैं इसे ले आया। भाभी बच्चा तो बच्चा ही होता है, शायद इस बच्चे के नसीब में आपका प्यार लिखा था। हाँ जी भाभी, अब इतना मत सोचिए, कितना प्यारा बच्चा है, इसे अपनाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इसकी मैंने ना पूरी जो कागजों की जो फॉर्मेलिटी थी मैंने सारी पूरी कर दी है, अब कोई चिंता नहीं है। हाँ भाभी देखिए ना, ये देखिए कितना सुंदर है ये, कल को बड़ा होकर ये बिल्कुल आपके जैसा ही दिखेगा, क्यों है ना? और इस घर की सारी समस्याएं सारी तकलीफें दूर कर देगा, सच कह रही हूँ। अच्छा जल्दी से बताइए इसका नाम क्या सोचा है? इसका नाम क्या रखे? अथर्व। अरे वाह, है ना, ये अच्छा लगेगा ना। अथर्व, ये तो गणेश जी का नाम है। वाह, गणपति बप्पा मोरया। निशा जब से तुमने अलमारी शिफ्ट करी है ना, मेरी एक भी चीज टाइम पे नहीं मिल रही है। मुझे लेट हो रहा है, खाने के लिए क्या बनाया? निशा तुम मेरी बात सुन रही हो? अरे तुम इधर आओ ना, देखो तो कैसे एक तक देख रहा है। मतलब आज नाश्ता नहीं मिलेगा? सॉरी, वो मुझे एक्चुअली मंदिर भी जाना है और फिर अथर्व को भी तैयार करना है ना, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। तुम एक काम करो ना, तुम आज बाहर से खा लो। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ना इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बात कर ली है, तुमसे एजेंट से मिलके डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। निशा अभी ये बहुत छोटा है। सूरज छोटा है तो क्या हुआ, इसके फ्यूचर की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम देखना कि बड़ा होके ना एक नामचीन सीए या वकील बनेगा और मम्मा का नाम ऐसे रोशन करेगा मेरा बेटा, देखना तुम। अरे पहले इसे बड़ा तो होने दो, चलो मैं चलता हूँ। जल्दी आता हूँ। बात है, आप दोनों तो दो दिन में घुल मिल गए। अरे क्यों नहीं घुलेंगे मिलेंगे, बच्चा किसका है? हाँ, इसकी स्माइल की तो क्यूट है ना। कितना अच्छा लग रहा है आपको खुश देखकर। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप हमेशा ऐसे खुश रहो। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। अरे 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 अरे, क्या कर रही? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बच्चा मुझे दे दो। कौन है गिरीश? कौन मेरा बच्चा है? क्या बकवास कर रही है? क्या बोल रही है? छोड़ो, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये,
ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। अरे अरे क्या कर रही है, ये हमारा बच्चा है तो दे दो मेरे। बच्चे को छोड़, बच्चे को वापस मेरा बच्चा है। छोड़ पागल, छोड़ दो, छोड़। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा चोरी हो गया था। पागल झूठ बोल रही है, हमारे बच्चे को अपना बच्चा बताती है। झूठ तो तुम बोलते हो, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये। ये मेरा बच्चा है। पागल ये तेरा बच्चा नहीं है, हमारे बच्चे को अपना बच्चा मत बोलना। मेरा बच्चा चोरी हो गया था। गिरीश क्या बोल रही है, अभी झूठ बोल रही है ये औरत। बच्चे को मैं खुद एनजीओ से लेकर आया हूँ। झूठ तो तुम बोल रहे हो, ये मेरा बच्चा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, चुपचाप मान जा, यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को लेकर धक्के मार के निकाल दूंगी तुझे यहाँ से। हमारे बच्चे को अपना बच्चा बोल दिया। देख तुम्हारा यहाँ नजर मत आना, गिरीश इसको यहाँ से बाहर निकालो, निकल। चल चल, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यहाँ से बाहर निकल, दोबारा आना नहीं यहाँ। भाभी आपको मुझ पर यकीन नहीं, आप उस चोरनी की बात पर विश्वास कर रही हो? मैं खुद अपने हाथों से इसे एनजीओ से लेकर आया हूँ, मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए इसके। एक काम करते हैं, हम पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देते हैं, फिर से वापस आते हैं, मेरा बच्चा सीने लगी तो। ये क्या कह रही हो भाभी आप भी क्या एक पागल औरत की बातों में आ रही हो, और पुलिस कंप्लेंट वगैरह करेंगे तो दिक्कत तो हमें ही होगी ना भाभी। इतनी मार खाई है उसने, दोबारा लौट कर नहीं आएगी वो। छोड़िए आप, चलिए अंदर चलते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपना और इस बच्चे का ख्याल रखिए, उस औरत को मैं देख लूंगा। इस औरत ने यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, भाभी बच्चे के साथ मंदिर गई है, किसी भी वक्त आती होंगी, उनके वापस आने से पहले हमें कुछ करना ही होगा। सुधा यही सही मौका है यहाँ से निकलने का, है ना? तो जितनी जल्दी हो सके जितना ज्यादा सामान समेट सको समेट लो, क्योंकि ये पागल औरत यहाँ वापस जरूर आएगी, और अगर ये पागल औरत यहाँ वापस आ गई तो हमारी हकीकत इन दोनों के सामने भी आ जाएगी। हम इस घर में और नहीं रह सकते। चाबी, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? बताऊंगा, चलो। मौका मिलते ही मैंने चाबी चुराई और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अच्छा खैर, इन बातों का समय अभी हमारे पास नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर भीयर भाभी को पता चल गया कि हमने उन्हें चोरी का बच्चा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी चुपचाप वो 10 लाख रुपए, बाकी का कैश, ये ज्वेलरी सब समेटो और यहाँ से जल्द निकल दो, किसी नए शहर चलते हैं और वहां जाकर किसी और को लूटेंगे, है ना? छोटे बच्चों का व्यापार करते तुझे शर्म नहीं आई? तुझसे अच्छे तो जानवर है गिरीश, मुझे तो पहले ही तुझ पे शक था, लेकिन निशा के चक्कर में मैं चुप रहा। लेकिन अब तुम दोनों की असलियत मैं निशा के साथ साथ पूरी दुनिया को बताऊंगा। भैया आपको गलत फहमी हुई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमने कुछ किया नहीं है, आपको बस ऐसा लग रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं अभी आपको बता, मैं आपको बेटा तो सुधा, थोड़ा 10 मिनट लेट आ जाते, गलत टाइम पर आ गए भैया, लेट आते तो शायद बच जाते। क्यों आए जल्दी? भाभी आ गई, तुम एक काम करो, जाके भाभी को संभालो, मैं तब तक लाश को ठिकाने लगाता हूं, ठीक है? जल्दी जाओ। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। राजा पूरे घर की तलाशी लो। सर क्यों, किस लिए? अरे सीधे सीधे बता, इसका बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा, कैसे बच्चा? ये पागल झूठ बोल रही है, हमारा बच्चा है वो।
कुछ भी कहेगी क्या? छोड़ो सर, सर, सर इधर आइए। क्या है ये सब? सर मुझे भी नहीं पता सच्ची। मैं जब यहाँ इस कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि भैया को क्या हो गया, भैया से यहाँ पड़े थे तो मैं खुद सर मैं सर सच कह रहा हूँ सर, मुझे मैं खुद ही सोचने की कोशिश कर रहा कि भैया को क्या हो गया। तुम फिर आ गए मेरा बच्चा छीनने? सूरज सर ये मेरा बच्चा है सर, ये मेरा गोपाल है सर। सूरज 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 क्या हो गया? सूरज किसने किया ये? सूरज उठा सूरज, मेरी तुम्हारी जान ले ली सूरज। क्या हुआ यार? और ये बच्चा तूने कैसे चुराया? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मार के चामड़ी उतार दूँ। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। हाँ सर, ये बच्चा इसी औरत का है। भैया और भाभी को बच्चे की जरूरत थी तो मैंने उन्हीं की मदद करने के लिए मैंने वहां सड़क से बच्चा उठाया और इनको दे दिया। जिस जगह से बच्चा उठाया था उसके सामने की बिल्डिंग की सीसीटीवी में हमें सब कुछ साफ साफ दिख गया था। तूने पहले बच्चा चुराया, उसके बाद कुछ दूर पैदल चलकर ऑटो में बैठकर वहां से गया। उस ऑटो वालों को हमने ट्रेस कर लिया है, उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। एनजीओ की आड़ में तुम बच्चों का व्यापार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब हो जाएगा। बस हटा, बस प्लीज। भैया को सब सच पता चल गया था। हम दोनों तो यहां से बस निकलने वाले थे कि भैया आ गए। उन्होंने हमें चोरी करते हुए प्रज्ञा को पकड़ लिया और फिर उन्होंने बोला कि ये हमारी बात सबको बता देंगे, तो उसको बचाने के लिए हम दोनों ने भैया को मार दिया। ले चलो इसे, बाकी सच हम लॉकअप में उगलवा लेंगे। ले जाओ जाओ। हाहाहाहा